सरकारी नौकरी में सब लोग जाना चाहता है, उन्हें ये लगता है कि नौकरी सिक्योर। हालांकि कुल नौकरी का मैक्सिमम 2% ही सरकारी नौकरी है। आप प्राइवेट नौकरी में भी सिक्योर रहेंगे, लेकिन नौकरी उकरी का तो झमेला समझते हैं। अभी गवर्नमेंट ने रेलवे की सीटें बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? जिस समय बात हो रही थी बढ़ाने के लिए, उस समय 144 लग गया था, मार विद्यार्थियों को पीट के रद्द कर दिया गया था, हम लोग कुछ बोल ना सके इसलिए 144 लगा के कोचिंग भी बंद हो गए थे। लेकिन इधर हुआ क्या कि युवा काफी रूठ गए सब, और जब युवा रूठ गए सब तो अभी असर भी दिख गया युवाओं के रूठने का, तो लोगों का ना इनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, इनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा युवा हल्का सा नाराज हुआ तो ये असर हुआ। सोचिए जिस दिन मुंह मोड़ लेगा ना, तो भाई देखो लड़ाई झगड़ा अपने जगह पे जिसको जिधर करना है, लेकिन वैकेंसी प्रॉपर आनी चाहिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हालांकि कुल नौकरी का मैक्सिमम 2% ही सरकारी नौकरी है, बाकी 98% नौकरियां आप क्या है प्राइवेट है, लेकिन ये 2% ही हैं जो किसमें है सरकारी में है। और यही 2% लोग ने ना ज्यादातर, आप देखिएगा सरकारी नौकरी में सब लोग जाना चाहता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है उन्हें ये लगता है कि नौकरी सिक्योर है। याद रखिएगा आप प्राइवेट नौकरी में भी सिक्योर रहेंगे, लेकिन प्राइवेट नौकरी में आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में आप काम करिए ना करिए, लोग इस वजह से सिक्योर है, सरकारी टीचर सब बनना है, सरकारी स्कूल में बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। और एक खराबी भी है कि इतने रिमोट एरियाज में स्कूल खोल दिए गए हैं जहां कोई अच्छा टीचर जाना ही नहीं चाहता है। अब वो दिन भर सोचता है कि पैरवी लगा के हम बड़े शहर में आ जाए, तो बार बार इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग में से ज्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट्स गाँव से आते होंगे, आपके गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहां कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं बैठता होगा, भैंस उस घूमते रहती है वहां पर। अब उसके लिए करोड़ों सरकार का खर्च होता है। बेटर होता आपके ब्लॉक में एक बहुत अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखते, जहां मरीजों के आने के लिए भी अच्छी सुविधा और डॉक्टरों को वापस उनके जिला में पहुंचाने की भी अच्छी व्यवस्था रहती। लेकिन नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य खोलेंगे, बकरी उकरी देखती रहती सर, अरे हम भी डॉक्टर हो जाए का। सरकारी नौकरी कितना परसेंट? 2%। और ये 2% दहेज बिहार में, स्पेशली हम बात करते हैं बिहार में जो ज्यादा दहेज ले रहे हैं लोग ना, वो यही वाले ले रहे हैं सब, सरकारी नौकरी वाले। अभी रेट फिक्स कर दिया सर 15-20 लाख, तो देखा देख लिए, एक नहीं कहावत कहता तरबूजा को देख कर खरबूजा भी रंग बदल देता है, तो कह रहा है सरकारी वाले को अगर 20 लाख मिल रहा है तो हमें करम फूटल 5-6 लाख हमहू को दे दे। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब अलग बात है, लेकिन ये रियलिटी है, ज्यादा दहेज यही मांग रहा है सब। अच्छा, लड़की लोगों को भी क्या है कि सरकारी लड़का चाहिए, इन सब में क्या खराबी है? अच्छा, जब बढ़िया चीज चाहिए तो पापा लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा पैसा बहुत ज्यादा एक लिमिट तक के लिए ही अच्छी होती है। अगर कोई अच्छा इंसान नहीं रहा ना, तो आप याद रखिएगा जिल्लत की जिंदगी से अगर आपको कोई नीचा दिखा के बिना रेस्पेक्ट के आपको चांदी के चम्मच में भी खिलाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इज्जत से सूखी रोटी भी खिलाएगा ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन पता नहीं, अच्छा मम्मी पापा माँ बाप को भी लड़की लोगों को नहीं समझ में आता, उसको कह लड़की का पैसा दिखता है, नहीं समझ में आ गया? अरे अच्छा इंसान भी रहना चाहिए।